हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैमरा वाला प्रेम। सलाम, नमस्ते, प्रणाम। अभी हम लोग हैं गैलेक्सिया मॉल। पासपोर्ट का कुछ काम था वो करवा के मेरे पास इनवाइट किया जाहिद भाई ने मार्बल ऑटोमोबाइल से। आज रॉयल इनफील्ड मेटेर की लॉन्च है तो अभी इधर से जल्दी जल्दी निपटा के ना अपन कोशिश करेंगे टाइम पर वहाँ पहुँचूँ मैं। तो चलो अभी इधर का काम फिनिश करके हम लोग जाएंगे मार्बल ऑटोमोबाइल्स और दिखलाऊंगा आपको मेटेर दिखती कैसी है, और अगर चलाने को अलाउ हुआ तो चला के भी दिखलाऊंगा। फिलहाल ये देखो गैलेक्सिया मॉल एक सब मरीन की जैसा दिखता ही है। मेरे को भी कर लेना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी दीपावली में जा रहा हूँ तो उसके हिसाब से डेट लेके और मैं भी अप्लाई कर लूँगा। कुंदन भैया हमारे साथ चलेंगे क्योंकि हिमालयन ऑनर तो यही है आके। और चलेंगे स्कूटी से। स्कूटी से कहाँ, स्कूटी से जा रहे हैं? हम लोग जाएंगे अपने एवेंजर से। पकड़िए, चलिए। यहाँ से ना मतलब मार्बल ऑटोमोबाइल काफ़ी दूर है लेकिन फिर भी हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें बाइक से बहुत ही प्रेम है, क्योंकि मेरा नाम भी प्रेम है और कुंदन भैया रॉयल एनफील्ड अभी जस्ट लिए हैं तो थोड़ा सा सबको क्रेज है मतलब। और ये नई बाइक है, इसका ऐड आप नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पे जाकर देखना है इसका ऐड। इसका ऐड काफ़ी ही बढ़िया है, मतलब एकदम सस्पेंस बना के रखा है रॉयल एनफील्ड ने। अभी हम लोग पहुँच गए हैं ये करमटोली चौक। करमटोली चौक से थोड़ा पहले ना, ये कौन सा चौक है? ये करमटोली चौक तो वो कौन सा चौक है? करमटोली वो है नहीं, जेल चौक। ये जेल चौक है, हम लोग जेल चौक से जेल मोड़ से आगे जा रहे हैं अभी करमटोली की तरफ। इवेंट था वैसे, मतलब जाहिद भाई ने मेरे को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि लगभग 12:30 बजे रिलीज होगा, तो थोड़ा सा देर हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो अपन जाके अभी देखेंगे लुक, थोड़ा टेस्ट ड्राइव के लिए अगर अवेलेबल होगा तो टेस्ट ड्राइव भी करेंगे क्या भैया? और अगर इस गाड़ी में क्लासिक के मुकाबले 350 में जितनी पावर होनी चाहिए अगर उतना पावर होगा, वाइब्रेशन नहीं होगी, तो फिर आपको क्या आशीर्वाद होगा? क्या जाहिद भैया, गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा देर हो गया पासपोर्ट ऑफिस में उनको। ये जाहिद भैया, वो अजय भैया। अजय भैया काफ़ी बिजी, आनंद भैया, ये भैया को हम नहीं जानते। बाकी ये रही बाइक, ये दो कलर अभी आई है इसके। हाँ, इस पे आपका 5-6-7 कलर। अच्छा, कलर हम सारे देखेंगे। क्या अलग किया है बाइक में? चेचिस। ओके, चेचिस इसमें डुअल क्रेडल फ्रेम है जिससे आपको स्मूथ राइडिंग और थोड़ा बैलेंस राइडिंग आपको मिलता है, चाहे आप सिटी राइड कर रहे हो या हाईवे राइड कर रहे हो आप। इसका इंजन, इंजन जो आप पहले रॉयल एनफील्ड के 350cc आप इंजन देखते थे उसका DNA अलग था, इसका DNA अलग है। ओके, लेकिन आपको 350cc इंजन मिल रहा है सेम पावर के साथ, इसमें आपको बैलेंसर शाफ्ट मिल रहा है। ओके, बैलेंसर शाफ्ट का काम है कि जो वाइब्रेशन जो इंजन प्रोड्यूस करता है उसको रिड्यूस कर देता है जिससे आपको स्मूथ राइडिंग मिलता है। मतलब क्लासिक से काफी कम वाइब्रेशन, बहुत कम वाइब्रेशन। और टॉर्क वगैरह में कोई चेंज? टॉर्क वगैरह में कोई चेंज नहीं, सेम सेम। टॉप स्पीड भी सेम? हाँ, इसका फिफ्थ गियर जो है बहुत इसका खास गियर है। इसका फिफ्थ गियर में आपको ओवर ड्राइव गियर मिल रहा है। मतलब ओवर ड्राइव गियर का खासियत ये है कि अगर आप फिफ्थ गियर में गाड़ी को पुश किए हैं और इंजन RPM लो रखे हैं तो आपको स्पीड और पावर ज्यादा मिलेगा। ओके, जिससे आपको फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा, मतलब हाई एंड पुल ज्यादा है इसका। ये देखो आप मीटर, मतलब बहुत ही कस्टमाइज किया। ये किस चीज का है? ये आपका टर्न बाय टर्न नेविगेशन है। ओके, इसमें बस आपको RE ऐप डाउनलोड करना फोन पे। ओके, और अपने मोटरसाइकिल को इसे रजिस्टर्ड कर लेना है, जैसे इंजन नंबर, चेसिस नंबर और रजिस्टर्ड नंबर डालेंगे आप तो सिंक कर लेगा। ओके, तो RE ऐप में मैप पे जाना है और ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है इसको। बस अपना स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अपने मोबाइल में रजिस्टर्ड कर लिया आपने और फिर फोन को पॉकेट में डाले, यहाँ पे सारा आपको नेविगेशन शो सब कुछ, अपना कॉल वॉल आया सब कुछ दिखलाएगा। कॉल तो नहीं शो करेगा, नेविगेशन शो करेगा कि आपके 500 मीटर में टर्न है या 100 मीटर्स में आपका डेस्टिनेशन है। मतलब वो एक रॉयल ट्रीट के साथ साथ थोड़ा मॉडर्न चीजें भी एड अप हुआ है ना। और सबसे इसका अच्छा चीज़ इसका ये आपका डीजी एनालॉग मीटर। ओके, यानी एक ही कंसोल में आपके सारे इन्फॉर्मेशन शो हो रहे हैं। ये स्पीडो हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, ये आपका फ्यूल बार हो गया, इसमें आपका ट्रिप एफ, इसमें एक ट्रिप एफ टेक्नोलॉजी यूज है। ओके, अगर आपकी गाड़ी 5 लीटर से कम पेट्रोल है तो ऑटोमेटिक वो ट्रिप एफ पे आ जाएगा। ओके, और ट्रिप एफ में आपका शो करेगा कि आपकी गाड़ी इतनी किलोमीटर चलेगी, रेंज बताएगी, रेंज बताएगी।
मतलब जो हमने इसे पहले लिया ना KTM 390 एडवेंचर अपने पास है हिमालयन है, तो एडवेंचर में भी रेंज दिखलाता है और मेरे को वो थोड़ा बेनिफिशियल लगता है क्योंकि उससे ना आपको समझ में आएगा कि आप जो स्पीड या जो स्टाइल में राइड कर रहे हो उससे आप कितना किलोमीटर तक जा सकते हो। और वो रॉयल इनफील्ड ने जब ये एडअप किया ना तो समझो ये एक काइंड ऑफ ब्लेसिंग है जो राइडर है जो लॉन्ग राइड करते हैं उनके लिए, ताकि आप अंदाजा लगा सको कितने किलोमीटर से मेरे को फ्यूल लेना चाहिए। और इसमें टायर वायर में कोई चेंज? हाँ, टायर पहले से इसमें वाइट टायर्स दिए हुए हैं। अब क्लासिक में देखते हैं, क्लासिक 350 हो या बुलेट 350, उससे बहुत ही वाइट टायर्स इसमें दिए गए हैं। अच्छा, वाइड है ना, जिसमें आपको हर सरफेस के अकॉर्डिंग आपको बेटर ग्रिप प्रोवाइड करता है। लेकिन ये बाइक सूटेबल है दोनों कंडीशन के लिए, अगर आप सिटी राइड भी कर रहे हैं और हाईवे राइड भी कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में ये बहुत ही ईजी क्रूजर इसको बोला जाता है। ये एक मतलब काइंड ऑफ जैसे मेरे पास एवेंजर भी है एक लो एंड बाइक में हमारे पास, तो इसमें क्रूज प्लस क्लासिक प्लस आरी का जो रॉयलिटी है वो सब कुछ आपको फील होगा जैसा मेरे को दिख रहा है। कब से ये टेस्ट राइड के लिए अवेलेबल होगा? बहुत जल्द आपको टेस्ट राइड मिल जाएगा। सैटरडे से ये टेस्ट राइड के लिए भी अवेलेबल है, तो जो भी इंटरेस्टेड, मैं तो हूँ इंटरेस्टेड, जो भी लोग मेरे अलावा इंटरेस्टेड है वो आके यहाँ पे टेस्ट राइड कर सकते हैं मार्वल ऑटो बाइक्स में। और कुंदन भाई को देखो, दिख रहा है और एक्चुअली ये हर टाइप के राइडर्स के लिए सूटेबल बना के रखा। नहीं, इसको ऑलरेडी साउंड एक और कुंदन बंद करके चालू कीजिए। क्लियर बेस थंब है इसका, मतलब एक होता है ना थोड़ा छंजन की आवाज़, वो सब कुछ भी नहीं, प्योर बेस थंब है इसका। वाइब्रेशन एक तरह नहीं है बाइक में, अगर आप हाई आरपीएम इंजन रखते हैं तो भी वाइब्रेशन। बहुत लोग जैसे मेरे को खुद जैसे क्लासिक 350 है रितु के पास भी, तो मैं उसे ज़्यादा लॉन्ग राइड पे नहीं प्रेफर करता था क्योंकि वाइब्रेशन के कारण हाथ में थोड़ा दर्द होता था, और ये अभी वाइब्रेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अब कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं। सबके लिए कंफर्टेबल है। इसका डिस्पैच भी पीछे का बड़ा है। जी, इसका डिस्पैच अभी जितने भी रॉयल एनफील्ड के 350 वेरिएंट थी उसमें सबसे बड़ा डिस्पैच है फ्रंट और रियर में। फ्रंट में आपका 300 mm का डिस्पैच है और रियर में आपका 270 mm का डिस्पैच है। बहुत बढ़िया, डुअल चैनल ABS तो अभी ऑलरेडी सब में आ ही रहा है। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस आपका सुपरनोवा का अराउंड 218 से ऑन रोड 218,000 से 220,000 तक। इसमें मॉडल्स का नाम है क्या अलग? इसमें तीन वेरिएंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम फायरवॉल में दो कलर है, फायरवॉल येलो एंड फायरवॉल रेड। ये कौन सा है? ये स्टेलर है, स्टेलर ब्लैक। ओके, और वो आपका सुपरनोवा ब्लू। सुपरनोवा, स्टेलर ब्लैक और एक फायरवॉल आपका स्टार्टिंग मॉडल है, फिर उसके बाद आता है स्टेलर और टॉप में आपका सुपरनोवा। सुपरनोवा में कलर वही है फिर? सुपरनोवा में दो कलर है आपका, एक ये सुपरनोवा ब्लू हो गया और एक सुपरनोवा ब्राउन। सुपरनोवा में आपको सबसे अच्छा मिलता है कि इसका अधिकतर पार्ट्स आपको क्रोम फिनिश में मिलता है। ओके, जैसे इंडिकेटर्स हो गए ये आपका क्रोम फिनिशिंग में है। हाँ, तो थोड़ा बहुत ये अलग वेरिएंट दिखता है, क्रोम फिनिशिंग से थोड़ा सा प्रीमियम लुक आता है। ये हेडलैम्प में भी कुछ है ना? जी, ये आपका LED दिया हुआ है। और अब जैसे इंजन स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कीजिए, ये यहाँ पे आरी का एक लोगो है, इंजन स्टार्ट करेंगे तो आरी का लोगो, मतलब पीछे से लाइट आ रहा है, राइट? और मतलब ऐसे आप इंजन ऑन पे ये पूरा जलता रहेगा? हाँ, जैसे इंजन बंद होगा सिर्फ LED रिंग जो है वो जलेगा। हेडलाइट सेम है? सेम, पावर सेम है, सब कुछ हेडलाइट का, कुछ सॉकर वॉकर में चेंज? कोई चेंजेस नहीं, सब कुछ। तीनों वेरिएंट में सस्पेंशन हो गया या फिर जो भी डायमेंशंस है वो सारा सेम है। डिफरेंस आ जाता है आपका, जैसे कि फायरबॉल मॉडल में आपको बैकरेस्ट नहीं है। ओके, वो बैकरेस्ट आपको एडिशनल परचेज करना पड़ता है। उसका सुपरनोवा का 218? हाँ, 218 से 220। अभी इसका छोटा छोटा डमीज भी आ गया नहीं? हाँ, ये सारा अवेलेबल है। चलो, हमारे जैसे लोग जो अभी बाइक नहीं लेंगे वो डमी भी कभी कभी ले सकते हैं। अब एक बार मैं बाइक पे बैठ के दिखलाता हूँ कि मेरे पे कैसी लगती है बाइक। क्लच इसका बहुत स्मूथ है, क्लच बहुत स्मूथ है। जो चलाते हैं उसका थोड़ा सा
हाँ जी, इसका कलर ग्रीन तो नहीं दिखेगा। दूसरा चीज़ है ना, एक बार टैप करो उस पर, हाँ स्क्रीन पे टैप करो, अभी थोड़ा नजदीक आई होगा। इसमें जब बैठोगे आप तो जो आपको चेंजेस फील होंगे ना, सबसे पहला चीज़ जो राइड पोजिशन वो बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। मतलब आप क्लासिक क्लासिक जो चलाते हैं लोग, ऋतु के पास हम भी चलाते हैं क्लासिक, हैंडलिंग जो सीटिंग पोजिशन है पूरी तरह से चेंज, कंफर्टेबल है। दूसरा जो आप पैर रखने का जो पोजीशन है फुटरेस्ट का, वो थोड़ा सा आगे क्रूज वाला फील देता है आपको। जब आप क्रूज वाला जैसे एवेंजर में थोड़ा आगे, उसी तरह से थोड़ा क्रूज रिलैक्स्ड वे में आपका पैर रहेगा। तीसरी चीज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आई वो है डिस्क ब्रेक का और क्लच का। ये जो चीज़ है ना, ये काफ़ी वाइड बॉड का गोल होता है, उसके कारण कुछ कुछ इश्यूज होते हैं। जैसे मैं ऑलरेडी सिनेमैटिक करता हूँ तो मेरा रॉनिन के कारण यहाँ पे दर्द होता है, तो जब मैं एवेंजर या कोई और बाइक राइड करता हूँ जिसमें राउंड होता है ये शेप, उसके कारण और ज़्यादा इस यहाँ पे थोड़ा पेन होता है। ये काफ़ी कम्फर्टेबल है ये चीज़। इनका जो स्विच है क्यू स्विच का मॉडल शायद किसी बाइक में ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं। ये क्या है, ये थर्ड वाला, ये आपका इग्निशन ऑफ, इग्निशन ऑन और ये सेल्फ स्टार्ट। ओके, मतलब सेल्फ यहाँ पे ना देखे, सेल्फ यहाँ पे दिया है। वाह, काफ़ी अलग। और ये लाइट, आपका लाइट्स का है। बढ़िया। फ्यूल टैंक कितने का इसका? फ्यूल टैंक 50 लीटर का है। दोनों इंडिकेटर जो हिमालयन में भी दिया है ना, ऐसे लाइट्स में दिया गया। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी 15 लीटर्स का है। 15 लीटर। रिजर्व में कितना लगता है? रिजर्व में आपका 5 लीटर्स। तेल ऑन ऑफ गायब जी, फ्यूल इंजेक्शन होने के कारण तेल ऑन ऑफ करने का टेंशन खत्म। तो ये रिजर्व में कैसे पता चलेगा? रिजर्व जैसे ही आपका ट्रिप ऐप यहाँ पे शो करेगा, आपका रिजर्व में आ गया। तो मैं इसे स्टार्ट करके खुद से फील लेता हूँ। लेकिन इसमें आपको ऑयल कूल्ड का जो रेडिएटर वो बाहर नहीं, ये इंजन में इनबिल्ट इसका दिया हुआ। मतलब हीटिंग, अच्छा वो तो कैसा है हीटिंग इसका बहुत कम, वो नहीं ये डिस्क है। अभी जब टेस्ट राइड के लिए सैटरडे को अवेलेबल होगा ना, अगर मैं रांची में रहा तो आऊँगा यहाँ पे टेस्ट ड्राइव करूँगा। और 2-3 बाइक्स में मैं कंफ्यूज हूँ। एक तो ये, इसका वेट कर रहा था मैं, क्योंकि जाहिद भैया ने बोला था आपको पसंद आएगी आप बुक कर लो, पसंद तो आ गए भाई। बाकी बस राइड एक्सपीरियंस कैसा होता है वो एक बार चला के देख के समझ में आएगा। ये बाइक, एक BMW 310 GS और हिमालयन, ये 3 बाइक में मैं कन्फ्यूज हूँ। देखते हैं जो सही होगा बजट के हिसाब से भी, और जो मेरा पर्पस है वो फुलफिल करेगा। क्योंकि सिटी कम्यूट के लिए मेरे पास बाइक्स हैं, तो लॉन्ग राइड के लिए चाहिए बाइक। भैया ने हिमालयन लिया, ऋतु ने 310, एडवेंचर लिया 319, और मेरा अब नंबर है। देखते हैं कौन सा लेते हैं, जो पसंद आएगा। तो आज के व्लॉग के लिए ये काफ़ी स्पेशल था, और इसके लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा मैं इधर जाहिद भाई को, आनंद भाई को इतना टाइम दे के ब्रीफ किया इन्होंने, और कुंदन भैया को जो कि ऑफिस से निकल के मेरे साथ आ गए। जाहिद भाई ने मेरे को आज सुबह सुबह बताया, रात भर जाग के मैं एडिट कर रहा था तो फिर भी थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देर से ही दुरुस्त है। टाइम पे थोड़ा सा 5 मिनट देर हो गया ना मेरे को। नीतीश भाई को देखो, काफ़ी मुस्कुराते हैं ये, सही है ना। चलो, इंजन मैट ब्लैक ही है, इंजन सब में ब्लैक ही आता है, क्रोम नहीं। हाँ, मीटियर मॉडल में आपका सारा इंजन ब्लैक फिनिश में आएगा। ओके, अब कुछ पहले से बहुत रिफाइंड किया मैं खुद। फिनिशिंग बहुत इसका प्रीमियम रखा है। मेक इट योर्स, MIY ना जी, MIY। अभी रॉयल एनफील्ड ने अपना ऐप जो लॉन्च किया ना, रॉयल RE ऐप, उसमें इन्होंने मतलब ये मेटोर के लिए स्पेशली मेक इट योर करके एक कैंपेन काइंड ऑफ है, जिसमें आप अपने हिसाब से ना बाइक का हर एक चीज, क्या क्या कलर्स हो गया, कलर्स चेंज कर सकते हैं आप। जो कंपनी उसमें 15 कलर स्कीम देता है, 15 कलर स्कीम के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, अपना खुद का कलर आप लगा सकते हैं, एसेसरीज आप खुद आप पसंद करके उसमें पुट कर सकते हैं। उसमें एक कंपनी ऑफर कर रहा है कि आप 8,000 या 8,500 से ऊपर का एसेसरीज पुट करते हैं तो कंपनी आपको एक नेम टैग कस्टमाइज करके देगा बाइक में। ओके, जो प्लांट से ही होगा, लिखा हुआ रहेगा कि कस्टम बिल्ड फॉर आनंद शर्मा, डेट इतना, और औरंगदम जो प्लांट का जो नाम है उसका नाम रहेगा।
और वो गाड़ी में लगी रहेगी, लगी रहेगी टैंक में, वो लगी रहेगी। अरे वाह, मतलब ये टोटली अलग होगा। जैसे अगर मैं कैमरा वाला फ्रेम के नाम से गाड़ी को कस्टम करवाता हूँ ना, मतलब देखो हमेशा क्या होता है कि आप गाड़ी लेने के बाद कस्टम करते हो, यहाँ पे गाड़ी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा के ले सकते। देखिए सुपरनोवा में दो कलर आता है, ब्राउन एंड ब्लू, इसको आप सुपरनोवा सिल्वर में कस्टम कर सकते हैं और बेगी कस्टम कर सकते हैं। ये ऐप है, ये ऐप है, ये शोरूम का ना आरी का ये जो शोरूम है वो मेरा फेवरेट है रांची में, बिकॉज ऑफ इस इंटीरियर, और काफ़ी मतलब वाइड मिनिमल साइज का इंटीरियर है। एवेंजर 150 स्ट्रीट गली का शेर, चलाइए। आ गए वही हम लोग, इधर चल रहा है, बताइए। इंसान को अपना ज़मीन नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए ज़मीन हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं, एकदम ज़मीन से सट के चलते हैं इसमें। ये परियातू रोड का रोड कंडीशन ना मतलब बहुत ही घटिया, एकदम घटिया। हॉस्पिटल सारे इसी रोड में है, एम्बुलेंस जाती है, एम्बुलेंस में कौन क्रिटिकल है क्या है नहीं जाती। ये देखे ये और एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस जा रही है, और ये देखो आप, मतलब कितना भी रोड सेफ्टी ये वो चिल्ला लो, लेकिन चीज़ें ना मतलब एकदम बेसिक चीज़ें जो सुधर सकती है ईजिली, लेकिन देखो ये सब ये रोड का कंडीशन है। इतनी वाइड रोड है, इतना मेन जगह ये रांची का, फिर भी रोड का कंडीशन एकदम खराब। और सबसे डेंजर ये होता है देखो, अगर पूरा रोड खराब है तो इंसान पहले से दिमाग में लेके चलता है, ये कभी अचानक से कहीं खराब है तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। सो आज का जो ये वीडियो था वो बेसिकली बाइक लॉन्च और सुबह की जो चीज़ें मैं इधर उधर गया वो था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिन्हें भी बाइक में इंटरेस्ट है और नया बाइक लेना चाह रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। बाइक की फुल रिव्यू जब हम इसे टेस्ट राइड करेंगे उसके बाद ही दे पाऊंगा मैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।